इफ 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 एंड 7 टू द पावर y इज इक्वल टू 4 तो फाइंड k. हमें इस पूरे का आंसर निकालकर बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. 7 टू द पावर x माइनस y प्लस 5 टू द पावर x प्लस y. तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ. यहाँ पर हमें यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर x माइनस y. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर x अपॉन 7 टू द पावर y. बिकॉज बीच में माइनस का साइन है, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है. अब 7 टू द पावर x की वैल्यू जो है वो 8 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है. तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा. मीन 7 टू द पावर x माइनस y जो है वो हमारे पास आ गया 2. और प्लस 5 अपनी जगह पर है, वो हमने एज इट इज लिखा और उसकी पावर हमें दे रखी है x प्लस y. तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 टू द पावर x प्लस y. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर x इंटू 7 टू द पावर y. क्योंकि बेस सेम हो तो पावर z होती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. अब 7 टू द पावर x की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई पर y की वैल्यू है 4. तो 8 4 जा 32. तो इन चारों में से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा.